जो तीन पंचायतें सुनकोट के साथ थी, कहीं ना कहीं इनके साथ बेइंसाफी थी। बीजेपी हुकूमत ने देखा कि ये पंचायतें जो हैं वो मंडी के साथ रहनी चाहिए, तो उन्होंने वैसा किया। आज उसी मौका पर हम यहाँ पर आए थे। कई पार्टियाँ यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी इसका क्रेडिट लेना चाहती हैं, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, पिछले 5-7 साल से आपका कोई भी ग्राउंड नहीं है, आप जनता के बीच भी नहीं है। इस वक्त जनता के बीच अगर कोई आ रहा है वो बीजेपी आ रही है। हमारे पुंछ के लीडर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त डोर टू डोर जो है पुंछ के अंदर लोरेंस साहब जी के अंदर जा रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से लोरेंस साहब जी की जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपने बड़े दुख के दिन देख लिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, जितनी भी हुकूमतें यहाँ पर रही हैं उन्होंने आपके साथ बेइंसाफी की है, और अब वो दिन चले गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, और उस पर ये उतरे हैं और यहाँ पर भी उतर रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत की कितनी स्कीमें जो हैं इस वक्त लोरेंस में लॉन्च हो चुकी हैं, मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहता हूँ, आप बीजेपी के साथ जुड़ें और इन स्कीमों का फ़ायदा लें। और कई यहाँ का र्यूमर ये भी फैलाया जा रहा है कि ये बीजेपी हुकूमत जो है वो हिंदू पार्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पार्टी बिल्कुल शाना बशाना हर कौम के साथ चलती है। आज जो प्रोग्राम हुआ, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जलसे का रूप और रैली का रूप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, और वर्करों के आग्रह पर कि हमने बाजारों बाजार से चलना है और लोगों को बताना है, क्योंकि पिछले 25 सालों से हमारा जो हवेली पुंछ की जो तीन पंचायतें हैं 25 साल पहले ये सियासत का शिकार हुई थी, और यहाँ से ये तीन पंचायतें तोड़कर इन्होंने सुरमकोट से लगाई थी। ना सुरमकोट का वो बन्ना मिलता है, ना सुरमकोट के साथ ये पंचायतें मिलती हैं, खासकर बायला और मंडी और राजपुरा तीनों पंचायतें जो हैं। और ये तीनों पंचायतों वाले जब कोई एमएलए जीत जाता था, सुरमकोट का कोई भी एमएलए इनकी कभी परवाह नहीं करता था। ये 5 साल जो है रोते रहते थे, 6 साल सौतेली माँ का सलूक इनके साथ हो रहा था। तो भारतीय मैं कहूँगा कि ये जो डीलिमिटेशन हुई, इसके बाद जब पुंछ को रिजर्व किया गया तो ये तीनों पंचायतें भी सुरमकोट के साथ थी, और हमारी और तीन पंचायतें जो अड़ाई की और दो बदार बल्लाई की, 5 पंचायतें जो हैं उनको तोड़कर जो है वो सुरमकोट के साथ यहाँ से लगा दिया गया। मैं ये कहूँगा कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट की जो नज़र उनकी, उन्होंने हमारे बात पर नज़रसानी की और हमारी बात पर पूरा ध्यान देकर हमारी ये 5 पंचायतें तो वापस लाई जो अड़ाई की और वो बदार बल्लाई की। ये तीन पंचायतें जो दोजक भुगत रही थी पिछले 25 साल से, इनको हमने जन्म में दिया हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी ने, गवर्नमेंट ने, पीडीपी की गवर्नमेंट ने, आज ये तीनों पंचायतें जो है मंडी के साथ जो है जोड़ा गया इनको। आज इसीलिए हम सब मंडी में ये इकट्ठे हुए थे और इतने ज़्यादा हुजूम जो है सब लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने कहा बाजार से हमने जुलूस निकालना है। हमने 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, ये जो प्रचंड जीत आपको बोलते हैं ये डेवलपमेंट की जीत हुई, जो मोदी जी ने पिछले 7-8 साल में काम किए। हर घर में ई आपको ई श्रम कार्ड मिला, हमें हम लोगों को गोल्डन कार्ड मिला, जो आदमी बीमार हो जाता है उसको गोल्डन कार्ड मिला। ऐसी बहुत सी स्कीमें थी, हर PMAY का मकान मिला, स्वच्छ भारत के तहत हमें बाथरूम मिले, ऐसी बहुत सी स्कीमें थी। हमें पिछले हमारे घरों में इतना राशन है कि राशन पिछले जब से कोरोना आया है हमारे घरों में राशन की भरमार है, और इतना राशन है कि हमारा हर आदमी रात को खाना खाकर सोता है। कोई